हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही पूछे जाने वाला टॉपिक और काफ़ी ज़्यादा सर्चेबल जो टॉपिक है, पेरिकोरोनाइटिस। ठीक है, पेरिकोरोनाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, ठीक है, और ये क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, और क्या इसका ट्रीटमेंट प्लान है, और क्या इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो प्रॉपर किया जाता है वो क्या चीज़ है। ठीक है, इस वीडियो में ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग वीडियो में नए हैं, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले पेरिकोरोनाइटिस क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये समझें कि हमारे पास चार दांत होते हैं, हमारे जो अकल जाड़ जिसको बोलते हैं थर्ड मोलर, 1, 2, 3, 4, जो सबसे लास्ट की जो जाड़ होती है, जो टूथ होता है सबसे लास्ट का चारों, उसमें मैं आपको फोटो ये दिखा सकता हूँ मॉडल में, ये आप देख सकते हैं, ये वाला लास्ट में, ये लोअर मैंडिबल है ये वाला, तो ये वाला जो लास्ट वाला दांत है आप देख रहे हो, ये तो सारे नॉर्मल है, ये अंदर है। ठीक है, ये देखो ये अंदर की तरफ है मांस के अंदर, और ये वाला देखो ये कैसे पड़ा हुआ है, दूसरे दांत के जैसे ऐसे, ये सात वाला दांत ऐसे खड़ा है, ये ऐसे जाके उसको ऐसे इरप्ट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये देखो, इसमें ये इम्पैक्टेड टूथ सीधा अंदर ही है, ये देख सकते हो आप, पूरा बोन के अंदर है। ठीक है, मांस के अंदर है, बाहर नहीं आया ये, जैसे ये दांत आया है नॉर्मल, ठीक है, ये आधा बाहर आया हुआ है, ये मैक्सिला का मॉडल है। ठीक है, तो ये क्या होता है पेरिकोरोनाइटिस, क्या होता है कि आपका जो जो दांत इरप्ट हो रहा है, जो थर्ड मोलर इरप्ट हो रहा है, उसमें वो क्या करता है, वो एक तरह से मांस को बल्ज की तरह बाहर निकालने की कोशिश करता है, मतलब वो जगह बनाता है कि बाहर निकले। ठीक है, ओरल कैविटी में वो जगह बना के 18 से 21 साल की उम्र में जो निकलता है ये थर्ड मोलर, तो ये जगह बनाता है कि इरप्ट हो, तो वो क्या करता है, वहाँ पे जगह कम होने की वजह से वो प्रॉपर इरप्ट या तो हो जाता है कईयों में, जिनका अलग 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 केस में, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग इसका सिस्टम होता है इरप्ट होने का। ठीक है, कईयों में ये नॉर्मल इरप्ट हो जाते हैं, जैसे मेरे हैं तीनों चारों तरफ ये नॉर्मल जो टूथ हैं थर्ड मोलर, ये इरप्ट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन कईयों में क्या होता है, ये प्रॉपर जगह नहीं होती। ठीक है, उनका जो का जो साइज़ है वो कम होता है, या फिर कुछ और कंडीशंस होती हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो उसमें क्या करता है, ये मांस को ऊपर की तरफ पुश करता है, तो बल्ज बनाता है, और एक तरह से बल्जिंग होने की वजह से वहाँ पे इरिटेशन होती है, तो जगह बन जाती है। आप फोटो में देख सकते हो, जगह बनने की वजह से वहाँ पे फूड लॉजमेंट होती है, धीरे धीरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फूड लॉजमेंट होती है, तो धीरे 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 वहाँ पे स्वेलिंग होती है जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो वहाँ पे होने की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्यूट पेन होता है, बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है, जिसमें कि मतलब बिल्कुल सहा नहीं जाता, ऐसा पेन होता है जो कि रेडिएट होता है, रेडिएटिंग पेन, मतलब एक पर्टिकुलर रेडिएटिंग पेन क्या होता है, एक जैसे इस जगह पे दर्द है तो वो फैलता हुआ वो पूरे एरिया में रेडिएट हो रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया से वो रेडिएट होकर दूसरी जगह में जा रहा है। ठीक है, तो वो होता है, आप वहाँ पे बैठ भी नहीं सकते, मतलब आप बेड पे सो भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, पेन किलर खाते हो, आधा घंटा एक घंटा तक आराम आता है, उसके बाद वो फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक, विजडम टूथ इसको बोलते हैं, विजडम टूथ जो मतलब लास्ट की जो अकल जाड़ है उसको विजडम टूथ बोलते हैं। ये क्या जगह बनाने की कोशिश करता है, आधे में मतलब हाफ एरिया में जाके फंस जाता है। ठीक है, इसको पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं, जो कि मतलब इन्फ्लामेशन हो जाती है पर्टिकुलर जो दांत है थर्ड मोलर उसकी वहाँ पे जो एरिया। तो ये दो तरह के होते हैं पेरिकोरोनाइटिस, इसमें क्या होता है, एक तो एक्यूट होता है, एक होता है क्रोनिक। सबसे पहले एक्यूट क्या होता है, एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन, मतलब जो अभी अभी स्टार्ट हुआ पेन। ठीक है, क्रोनिक मतलब लंबे टाइम से पेन है आपको, बट एक्यूट जो है वो अभी आपका अभी जो हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या 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 इसके सिम्टम होते हैं एक्यूट में, एक्यूट में आप देखोगे कि एक तो आपका इतना ज़्यादा पेन होगा कि आपको फीवर भी आ सकता है। ठीक है, एक्यूट में। सेकेंड, इसमें क्या होगा, आपकी जो लिम्फ नोड्स है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं जो पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पे लिम्फ नोड्स होती हैं सब मैंडिबुलर, उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है, तो कई बार क्या होता है पस डिस्चार्ज होती है, पस भी बनने लग जाती है जो हमारा विजडम टूथ है उसके नीचे, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, पस डिस्चार्ज होता है, फीवर होता है, सब मैंडिबुलर नोड्स को, मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लेता है, और माउथ की जो ओपनिंग है जिसको कि हम बोलते हैं लॉक जो ट्रिसमस, ठीक है, वो हो जाता है, मतलब कि आप अगर आपको डेंटिस्ट बोलेगा मुंह खोलो तो आपका मुंह नहीं खुलेगा,
इतना ज़्यादा आपका पेन होगा एक्यूट केसेस में, जो एक्यूट इसका फर्स्ट टाइप है। सेकंड जो टाइप है क्रोनिक, इसमें क्या होता है कि आपका लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा पेन आपको, इसमें क्या होगा आपका धीरे धीरे बैड ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है, मुंह में सड़न होगी क्योंकि फूड लॉजमेंट हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है, लंबे टाइम से एक पर्टिकुलर एरिया पे एक स्पेस बन जाता है वहाँ पे जहाँ पे अकल दाढ़ आ रही है, फोटो में देख सकते हो आप, वहाँ पे फूड लॉजमेंट होगी, धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ेगा और सड़न होनी स्टार्ट हो जाएगी, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होगी आपको। और सेकंड आपको जो टेस्ट है जो आपका, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपका नॉर्मल टेस्ट नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी आप चीज़ खाओगे आपका जो नॉर्मल आपको टेस्ट आता था वो टेस्ट नहीं आएगा, आपका थोड़ा बकबका टेस्ट आएगा, ठीक है, अजीब टेस्ट आएगा आपको। ये कॉजेज क्या है, कॉजेज मतलब किस कारणों से ये होता है, सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिए, कॉज किस कारण से होता है, तो क्या होता है एक तरह से जैसे आप फोटो में देख सकते हो एक बल्ज बन जाता है, ठीक है, वो मसूड़ा क्या होता है वो दांत के ऊपर आ जाएगा, आपको मैं इसमें बताता हूँ, जैसे यहाँ से इरप्ट हो रहा है, इरप्ट होते 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 इसका जो ये मांस है ये वाला जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा, इस वाले दांत के ऊपर, क्योंकि इसको जगह चाहिए बाहर आने के लिए, तो ये बल्ज एक तरह से बल्ज बनते यहाँ आ जाएगा, तो वो क्या होगा फिर जो ऊपर वाला दांत है वो जब बाइट करोगे तो ये इसके बीच में यहाँ पे इसको दबाएगा यहाँ पे, तो वो एक तरह से बाइट होएगा, जो आपका जो मसूड़ा है जो फूल के वो निकला है तो वो बाइट होएगा यहाँ पे, इस जगह पे आ जाएगा वो, इस जगह जब आप ऊपर से वाले दांत से उसको च्यू करोगे तो वो फंसेगा, मतलब वो जो मांस है वो दोनों दांतों के बीच में पीसेगा, तो आपको इतना ज़्यादा पेन होगा कि आप बिल्कुल बियर नहीं कर पाओगे, तो आपको मतलब यही करना है कि आपको फटाफट अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, ठीक है। ये एक तो पूरा ओरल हाइजीन की वजह से आता है, ठीक है, आपको अपना ओरल हाइजीन है प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, ये इसका सेकंड कॉज है, ठीक है। थर्ड हो जाता है मतलब प्रेगनेंसी के केसेस में, ये काफ़ी देखा गया है, जो हमारा पेरिकोरोनाइटिस है काफ़ी ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये देखा गया है, तो प्रेगनेंसी के केसेस में आप क्या करें, कोसे पानी में नमक डाल के कुरलू करें, ठीक है, तीन चार चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा वो आप करें, ठीक है। अब इसका डिस्कस कर लेते हैं ट्रीटमेंट प्लान इसका बहुत ही पर्टिकुलर है, मतलब ना इधर की बात ना उधर की बात, सीधा सिंपल इसका ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो आपका नॉर्मल कोई भी इन्फेक्शन होता है या दांत में दर्द होता है तो सबसे पहले एक्सरे किया जाता है, एक्सरे में इसका पता लग जाएगा आपका कि किस तरह का ये इरप्ट हो रहा है, मतलब किस तरह से मीजियोडिस्टली हो रहा है, डिस्टो एंगुलर हो रहा है, डिस्टो मीज, अलग अलग तरह से आप देख सकते हो, जैसे ये है ये इम्पैक्ट हो रहा है, ये इसकी अलग कंडीशन है ये वाले दांत की, ठीक है, और इसकी अलग कंडीशन है इस वाले लास्ट वाले अकल जाड़ की, इस वाले की अलग है विजडम टूथ की, ये देखो, तो अलग अलग ये हमें कब पता लगेगा, अभी तो ये एक तरह का मॉडल है ट्रांसपेरेंट तो पता लग रहा है लेकिन आप मेरे इसमें नहीं देख पाओगे, तो इसलिए एक्सरे किया जाता है, ठीक है। आईओपी एक्सरे आपका लिया जाएगा, आपका डेंटिस्ट एक्सरे लेगा तो उससे आपको पता लग जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि ये दांत ऐसे है और इसका ये ट्रीटमेंट बनता है, ठीक है। तो कई बार दवाई से ठीक हो जाता है, ठीक है, दवाई आपको देंगे अगर नॉर्मल है तो फिर ठीक हो जाएगा, आपको कुछ चीज़ें आपका डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेगा वो चीज़ें आपको करनी है और जिस चीज़ के लिए आपको मना किया जाएगा वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स जो चलती हैं आपकी, कोई भी इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स चलती हैं, ठीक है, जो भी आपका डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेगा उस हिसाब से आपको दवाई खानी है, ठीक है। एक्सरे ले लिया, एंटीबायोटिक्स चला दी, सब कुछ कर लिया, ठीक है, लेकिन वो दर्द कई बार ठीक नहीं होता और वो धीरे धीरे इरप्ट हो रहा है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अगर पस बन गई है या काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी तो कई बार उसकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ सकती है हमें, ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन करवाएं आप डेंटिस्ट से, अगर आप का जो डेंटिस्ट है वो आपको बोल रहा है कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, इसका एक्सट्रैक्शन ही एक तरह का ट्रीटमेंट है, तो इसकी एक्सट्रैक्शन कराएं आप, और कई केसेस में आपको सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, मतलब इतना बड़ा नाम आपको सर्जरी लग रहा होगा लेकिन सर्जरी एक बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, एक माइन्यूट सर्जरी होती है, ठीक है। आपका जो ये सॉफ्ट टिश्यू है जो ये बीच में आ रहा है दो दांतों के बीच में, इसको कट किया जाएगा, ठीक है, और ये बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम वाला प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सर्जिकल प्रोसीजर है, तो उसको कट किया जाएगा ताकि वो इरिटेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका बीटाडीन से पूरा प्रॉपर उसको इरिगेट किया जाएगा ताकि इन्फेक्शन ना हो, फूड लॉजमेंट ना हो, तो मेन जो हमारा फूड लॉजमेंट ना हो, आपको पूरा प्रॉपर ओरल हाइजीन जो है आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, जो आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, तो ये था आज का जो टॉपिक पेरिकोरोनाइटिस के ऊपर, ठीक है।
आई होप मैंने जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो कवर किए हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ आ रही हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद। तो भाई दोस्तों ये जो वीडियो है ये मेरे पास, मैंने वाइड एंगल में नहीं बनाई क्योंकि वो मतलब बनाई गया मेरे से गलती से, नॉर्मल एंगल वो खुल गया तो वाइड एंगल में नहीं बनी, तो इस चीज़ को अवॉइड करें और इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो वाइड एंगल में ही आएंगी, ठीक है। बट क्लैरिटी है वीडियो में, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो वीडियो में बोली जा रही है, मतलब पूरा प्रॉपर समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को ना सोचें कि इस जो कैमरे की जो वो एंगल है वो थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।